हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है पहले उसे समझिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल, जब हमने आपको वीड में बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बताया था तो वहां भी बताया था कि द कंट्रोल ऑफ बायोट बाय बायोटा इज नोन एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जब हम किसी एक लिविंग बींग्स का किसी दूसरे लिविंग बींग्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं तो वही आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। जैसे यदि हमें पता है कि इस इंसेक्ट को कोई दूसरा इंसेक्ट भक्षण करता है, ठीक है, या उसके ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है, तो उसको हम जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत रखते हैं। देखिए इससे बायोलॉजिकल कंट्रोल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनके टू द पॉइंट उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, सबसे पहले यह तो आपने समझ लिया होगा कि द कंट्रोल ऑफ बायोट बाय बायोटा इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल जो टर्म है वह है सर्वप्रथम 1919 ईस्वी में आपके स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। उसके बाद कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल कंट्रोल किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल कंट्रोल किसे कहा जाता है, जो मॉडर्न बायोलॉजिकल कंट्रोल के पिता है वह कौन है। तो जो आपके सीवी रिले, जिसका पूरा नाम, इनका पूरा नाम चार्ल्स वैलेंटाइन रिले होता है, इनका कभी कभी पूरा नाम पूछ दिया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा कि जो आपके फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल कंट्रोल है वह है सीवी रिले साहब, और सीवी रिले का पूरा नाम चार्ल्स वैलेंटाइन रिले होता है, ठीक है। तो चार्ल्स वैलेंटाइन रिले होता है इनका पूरा नाम। अब देखिए इसकी कुछ हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की हिस्ट्री क्या होती है। देखिए आप सभी को पता है कि जब हम किसी इंसेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं या बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो देखिए सभी प्रकार के कीट एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं पाए जाते हैं, कहीं अलग अलग किसी दूसरे स्टेट में या कहीं दूसरे अदर कंट्री में पाए जाते हैं। तो यदि जब वैज्ञानिकों को या साइंटिस्ट को जब किसी भी प्रकार से पता चला कि इस कीट का नियंत्रण हम किसी दूसरे कीट के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि जैसे पता चला और देखा गया, जब उन्होंने इस चीज की खोज की या उसको डिस्कवर किया तो उन्हें पता चला कि इस एक कीट को किसी दूसरे कीट के द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक कीट को नियंत्रण करने के लिए जो पार्टिकुलर प्लेस पर कोई दूसरे कीट पाए जा रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता थी, तो उसको वहां से उस स्थान तक लाना जहां पर हमें उसकी आवश्यकता है, यही उसकी हिस्ट्री है। तो देखिए आइए जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में। देखिए हिस्ट्री के बारे में, जैसे हमने सर्वप्रथम क्या किया, 1762 की बात है, एक आपने चिड़िया का नाम सुना होगा मैना बर्ड, जिसे हम मैना चिड़िया के नाम से जानते हैं, मैना चिड़िया, मैना, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा आपके घरों में भी आकर के बैठ जाती है मैना चिड़िया। तो देखिए मैना चिड़िया का साइंटिफिक नेम ग्रेकुला रेलिगोसा होता है। क्या होता है? ग्रेकुला रेलिगोसा होता है, ठीक है। तो ग्रेकुला रेलिगोसा का को किसके कंट्रोल के लिए, ग्रेकुला रेलिगोसा को रेड लोकस्ट, यानी कि मैना चिड़िया को रेड लोकस्ट के कंट्रोल के लिए लाया गया, हमारे देश में रेड लोकस्ट के लिए लाया गया। उसके बाद सन 1873 में जो आपके मॉडर्न बायोलॉजिकल कंट्रोल के जनक कहे जाते हैं जिनका नाम है सीवी रिले, तो सीवी रिले साहब एक प्रीडेसियस माइट को लेकर आए। किसको? प्रीडेसियस माइट को लेकर आए। देखिए प्रीडेसियस माइट को लेकर आए किसके लिए, ग्रेप्स मींस अंगूर में लगने वाला एक सीरियस पेस्ट होता है जिसका नाम है ग्रेप फिलोक्सेरा, ग्रेप फिलोक्सेरा, और इसे कहां से, यूएसए से लेकर आए। कहां से? यूएसए से, ठीक है। तो देखिए प्रीडेसियस माइट जो आपका ग्रेप फिलोक्सेरा होता है, यह हमने आपको लीगल कंट्रोल में बताया था कि ग्रेप फिलोक्सेरा हमारे देश में या सॉरी वहां पर पहुंच गया था अमेरिका में, तब इसके लिए लीगल एक्ट बनाया गया था। किसके लिए? ग्रेप फिलोक्सेरा नामक कीट के लिए, ठीक है। तो देखिए जब इसे लेकर आए कहां से, यूएसए से। उसके बाद 1874 में पुनः सीवी रिले साहब, एक कीट था जिसका नाम था लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल। देखिए ग्रेप फिलोक्सेरा कीट का साइंटिफिक नेम टाइरोग्लाइफस फिलोक्सेरा होता है, ठीक है, टाइरोग्लाइफस फिलोक्सेरा। हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए आप लिख लेना, हम बोल तो रहे हैं टाइरोग्लाइफस फिलोक्सेरा। लेडी बर्ड बीटल का जो साइंटिफिक नेम होता है, लेडी बर्ड बीटल को, अच्छा सॉरी, सीवी रिले साहब लेडी बर्ड बीटल को लेकर आए कहां से, किसके लिए लेकर आए, एफिड के लिए। किसके लिए? एफिड के लिए, और एफिड के लिए कहां से, इंग्लैंड टू उन्होंने न्यूजीलैंड पहुंचा दिया, कहां, इंग्लैंड से न्यूजीलैंड पहुंचा दिया। और लेडी बर्ड बीटल का जो साइंटिफिक नाम होता है कॉक्सिनेला अंडिसिम्पंक्टाटा, कॉक्सिनेला अंडिसिम्पंक्टाटा, भाई लिख रहे हैं है ना, कॉक्सिनेला अंडिसिम्पंक्टाटा, अंडिसिम्पंक्टाटा। तो यह जो है इसका साइंटिफिक नाम होता है कॉक्सिनेला अंडिसिम्पंक्टाटा। लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नाम होता है, जिसको एफिड के कंट्रोल के लिए इंग्लैंड टू न्यूजीलैंड उन्हें भेजना पड़ा। आप ले गए, कौन ले गया, सीवी रिले साहब। उसके बाद देखिए 1882 में, 1882 में वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सैंडर्स, एंटोमोलॉजिस्ट थे सैंडर्स नामक वैज्ञानिक। यह जो है ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा को लेकर आए, ट्राइकोग्रामा को लेकर आए किसके लिए, ट्राइकोग्रामा को लेकर आए किसके लिए, गूजबेरी सॉफ्लाई, गूजबेरी सॉफ्लाई के लिए, गूजबेरी सॉफ्लाई के लिए लेकर आए ट्राइकोग्रामा को। ट्राइकोग्रामा को गूजबेरी सॉफ्लाई के लिए लेकर आए कहां, यूएसए टू कनाडा, कहां, यूएसए टू कनाडा, ठीक है। तो उन्होंने यूएसए टू कनाडा उन्होंने पहुंचाया, यूएसए टू कनाडा उन्होंने पहुंचाया, किसने, सैंडर साहब ने। उसके बाद 1888 की बात है, देखिए 1888 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट कोबेल। तो देखिए अल्बर्ट कोबेल के बारे में कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि अल्बर्ट कोबेल क्या लाए थे। अल्बर्ट कोबेल एक वैज्ञानिक थे, एंटोमोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट कोबेल साहब। तो वह जो है एक कीट को लेकर आए जिसका नाम था वडेलिया बीटल, क्या था, वडेलिया बीटल। तो देखिए वडेलिया बीटल को लेकर आए, वडेलिया बीटल का साइंटिफिक नाम रोडोलिया कार्डिनेलिस होता है, क्या होता है, रोडोलिया कार्डिनेलिस, रोडोलिया कार्डिनेलिस होता है, ठीक है। तो वडेलिया बीटल को लेकर आए, रोडोलिया कार्डिनेलिस कहें या वडेलिया बीटल कहें, बात एक ही है। वडेलिया बीटल को लेकर आए किसके लिए, वडेलिया बीटल को लेकर आए कॉटनी क्यूजन स्केल के लिए, कॉटनी क्यूजन स्केल के लिए, ठीक है। तो वडेलिया बीटल को लेकर आए कॉटनी क्यूजन स्केल के लिए, कहां से कहां, यूएसए टू कैलिफोर्निया, उन्होंने यूएसए से कैलिफोर्निया में पहुंचाया किसको, वडेलिया बीटल को, जो कि कॉटनी क्यूजन स्केल यह आपका सीरियस पेस्ट माना जाता है, किसका, सिट्रस का, लेमन का, सिट्रस का यह सीरियस पेस्ट माना जाता है वडेलिया बीटल, कॉटनी क्यूजन स्केल। इसको कंट्रोल करने के लिए अल्बर्ट कोबेल साहब वडेलिया बीटल या रोडोलिया कार्डिनेलिस को यूएसए टू उन्होंने कैलिफोर्निया पहुंचाया, कहां पहुंचाया, कैलिफोर्निया। लेकिन कैलिफोर्निया तो उन्होंने पहुंचा दिया लेकिन अपने देश में नहीं ला पाए, इंडिया में। देखिए इंडिया में कब आया, समझिए, इंडिया में अपने देश में सन बात है 1929 की, 1929 में वडेलिया बीटल को इंपोर्ट किया गया, वडेलिया बीटल इंपोर्टेड फ्रॉम कहां से, यूएसए टू कैलिफोर्निया, यूएसए टू कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यूएसए टू कैलिफोर्निया उन्होंने पहुंचाया 1929 में। हमारे देश में कब आया, देखिए ये पूछा जा सकता है कि वडेलिया बीटल हमारे देश में कब आया, तो 1929 में आया। कहां से आया, कैलिफोर्निया से आया। इसके अलावा देखिए 1958 में, 1958 में एफेलिनस माली, एफेलिनस माली को लाया गया किसके कंट्रोल के लिए, कॉडलिंग मॉथ के लिए, कॉडलिंग मॉथ के लिए हमारे देश में लाया गया, ठीक है। तो एफेलिनस माली को कॉडलिंग मॉथ के लिए लाया गया। और कॉडलिंग मॉथ का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है साइडिया पोमेनेला, क्या होता है, साइडिया पोमेनेला, पोमोनेला, ठीक है, साइडिया पोमोनेला। तो यह जो है कॉडलिंग मॉथ का साइंटिफिक नेम होता है। 1958 में इसको लाया गया एफेलिनस माली को, किसके कंट्रोल के लिए, कॉडलिंग मॉथ के लिए, ठीक है। तो ये इतनी है आपकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में आप समझ गए होंगे कि कब और कौन सा इंसेक्ट किस इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए किस देश से किस देश में लाया गया, ठीक है। इतनी बात थी आपकी हिस्ट्री की। आगे बात करते हैं, देखिए आगे देखिए क्या होता है इसमें। कुछ ऐसे इंसेक्ट जो कि हम किसी यानी कि जो नेचुरल एनिमीज जिन्हें हम कहते हैं, तो इंपोर्टेड नेचुरल एनिमीज फ्रॉम अदर कंट्री टू इंडिया, तो जो आपके इम्पोर्टेड नेचुरल एनिमीज, ठीक है, नेचुरल एनिमीज इम्पोर्टेड अदर कंट्रीज, ठीक है, अदर कंट्रीज टू इंडिया, इंडिया में लाया गया। ठीक है, देखिए इंडिया में लाया गया। नंबर 1, जैसे आपका एप्पल होता है, एप्पल में एक इंसेक्ट लगता है जिसका नाम होता है वुली एफिस ऑफ एप्पल। क्या? वुली एफिस ऑफ एप्पल। ठीक है, इसके कंट्रोल के लिए एफेलेनस माली को, लाया गया। ठीक है, एफेलेनस माली को इसके कंट्रोल के लिए लाया गया, जो कि एक पैरासिटॉइड है। क्या है? एक पैरासिटॉइड है, और इसको कहां से लाया गया था? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से लाया गया। उसके बाद एप्पल में ही दूसरा इंसेक्ट लगता है, इसका नाम होता है सेंजोस स्केल इंसेक्ट। क्या होता है? सेंजोस स्केल इंसेक्ट। इसके कंट्रोल के लिए एनकार्सिया परनीसियोस को लाया गया। सेंजोस स्केल इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए एनकार्सिया परनीसियोस को लाया गया। कहां से? चाइना से। लाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सिट्रस में एक लगने वाला आपका वेरी सीरियस पेस्ट, सेंजोस स्केल इंसेक्ट जो होता है उसका साइंटिफिक नाम होता है क्वाड्रास्पिडियोटस परनिसियोसस। ठीक है, और सिट्रस में एक लगता है कॉटनी क्यूजन स्केल। इसका साइंटिफिक नेम आइसेरिया परचेजाई। ठीक है, तो कॉटनी क्यूजन स्केल के लिए हम एक कीट को लेकर आए जिसका नाम था वेडेलिया बीटल, जो कि आपका एक प्रीडेटर है। क्या है? प्रीडेटर है। और इसे कहां से लाया गया था? कैलिफोर्निया से। ठीक है, तो इसे कहां से लाया गया था? कैलिफोर्निया से। उसके बाद देखिए पूछा जाता है कि पोटैटो में लगने वाला एक कीट होता है, जिसका नाम होता है पोटैटो ट्यूबर मोथ का साइंटिफिक नेम थर्मिया अपेरकुलेला होता है। क्या होता है? थर्मिया अपेरकुलेला। ठीक है, थर्मिया अपेरकुलेला होता है। इसके बाद पोटैटो ट्यूबर मोथ के लिए किसे लाया गया? ब्रेकॉन गैलची को लाया गया, जो कि एक आपका प्रीडेटर है। क्या है? जो कि आपका प्रीडेटर है। इसको लाया गया कहां से? कनाडा से। इसको हमारे देश में लाया गया। ठीक है, कनाडा से इसको हमारे देश में लाया गया। ठीक है, तो देखिए वुली एफिस ऑफ एप्पल एफेलेनस माली को लाया गया, जो कि एक पैरासिटॉइड है, जो कि इंग्लैंड से लाया गया। एप्पल में लगने वाला एक सेंजोस स्केल इंसेक्ट जिसका साइंटिफिक नेम क्वाड्रास्पिडियोटस परनिसियोसस होता है, उसको कंट्रोल के लिए एनकार्सिया परनिसियोस को लाया गया। कहां से? चाइना से। सिट्रस कॉटनी क्यूजन स्केल क्वाड्रास्पिडियोटस परनिसियोसस, इसका साइंटिफिक नेम होता है, तो उसको वेडेलिया बीटल जिसका साइंटिफिक नेम रोडोलिया कार्डिनेलिस होता है, इसको लाया गया, जो कि एक प्रीडेटर है। कहां से? कैलिफोर्निया से। पोटैटो ट्यूबर मोथ, जो कि पोटैटो में लगने वाला एक सीरियस पेस्ट होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है थर्मिया अपेरकुलेला, तो उसको लाया गया किसके? इसके कंट्रोल के लिए लाया गया ब्रेकॉन गैलची, जो कि आपका एक प्रीडेटर होता है। कहां से? कनाडा से लाया गया। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी इंपोर्ट किए गए हमारे देश में जो इंसेक्ट थे। उसके अलावा पूछा जाता है कि देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल और इसके बारे में क्या होता है। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जहां पर हमने आपको नेचुरल कंट्रोल पढ़ाया था या नेचुरल कंट्रोल बताया था, नॉट पढ़ाया था, पढ़ाते नहीं है हम, सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं आपको चीजें आसान हो जाए, हमें पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम 2 प्रकार से कंट्रोल करते हैं। एक तो होता है आपका मैक्रो जो आपके मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा, और दूसरा होता है आपका जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा, इस बात पर चर्चा हमने जब आपको नेचुरल इंसेक्ट पेस्ट बताया था, नेचुरल कंट्रोल बताया था इंसेक्ट पेस्ट का, तब हमने की थी। तो देखिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, यानी कि वह चीजें जो हमें नकनाकों से दिखाई दे जाए और वो हमारे इंसेक्ट को किस कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हो, प्रभावित करती हो, वही आपका मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि मैक्रो नेचुरल एनिमीज होते हैं। तो देखिए मैक्रो में जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बिल्ली को, यानी कि कैट को, तो देखिए कैट भी आती है इसमें। कैट को देखा होगा आपने इंसेक्ट को, इंसेक्ट का भक्षण करते हुए वो ऐसे करके और अपने मुंह में रख लेती है। कभी कभी डॉग को देखा होगा, डॉग वो अपने मुंह से ही ऐसे करके खा लेता है ना। तो कैट, डॉग, जो आपके फ्रॉग होता है, फ्रॉग, उसके अलावा स्नेक, ठीक है, और इसके अलावा लिजार्ड, भारी मात्रा में जहां पर आपको बल्ब लगा मिलेगा, CFL, ठीक है, LED वगैरह, वहां पे छिपकली अपने आप पहुंच जाती है, ठीक है। तो लिजार्ड, कैट, डॉग, फ्रॉग, स्नेक, और सबसे बड़ा तो आपका ह्यूमन होता है, ठीक है, इंसेक्ट को, और उसके अलावा टोड, ठीक है। ये सभी आपके मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपके छोटे छोटे कीट, जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, ये सभी प्रकार के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए माइक्रो और मैक्रो की बात हो गई। तो देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कोई एक ऐसे पौधे का नाम बताइए या आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा पौधा इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। तो देखिए एक तो होता है आपका फ्लाई ट्रैप, एक होता है आपका फ्लाई ट्रैप, यानी कि ये पौधे हैं जो कि इंसेक्ट कीटों का भक्षण करते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। दूसरा होता है आपका निपेंथीज, शायद आपने निपेंथीज का नाम सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, निपेंथीज। इसके अलावा एक आता है पिक्चर प्लांट, यदि आपने इसकी स्टडी सही से की होगी तो निपेंथीज को हमने बॉटनी में लगभग फर्स्ट ईयर में, यानी कि 11th में हमने इसकी स्टडी की थी निपेंथीज की। निपेंथीज को प्रैक्टिकल में रखा गया था और उसको लिखा वहां पर मिलता है कि निपेंथीज का घटपर्णी, यानी कि इसका जो फ्लावर होता है वह कुछ घट की तरीके से होता है, मटके के आकार का, पॉट के आकार का, है ना। तो जैसे ही उसका फ्लावर ऐसे खुलता है, मतलब ऐसे उसका जैसे ही फ्लावर खुलता है तो वहां पे कीट आ जाता है, और जैसे ही कीट आता है उसी प्रकार से वहां पर वो बंद कर लेता है और कीट का पूरा जितना भी आपका उसका फ्लूइड मटेरियल होता है, उसमें जितना भी काइटनस और प्रोटीन होती है, कीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए चाइना के लोग डायरेक्ट कीटों को खाते हैं। आपको पता हो तो जानकारी के लिए बता दें कि जो आपके इंसेक्ट होते हैं, है ना, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो अपना दिनचर्या चलाने के लिए जो आपका ये इंसेक्ट होता है, पौधा होता है जिसका नाम होता है निपेंथीज, निपेंथीज का घटपर्णी, उसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि उसमें बंद कर लेता है कीट को। जैसे ही कीट वहां पर रस सक करने के लिए आता है ना, उसके पॉलन ग्रेन के लिए, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए, तो वहां पर क्या करता है, इसको बंद कर लेता है, और बंद करने के बाद उसका जितना भी फ्लूइड मटेरियल होता है, प्रोटीन या काइटनस मटेरियल, वह सभी इसका जो है चूस लेता है, सक कर लेता है और उसको बाद में फेंक देता है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गया आपका फ्लाई ट्रैप, और जो है आपकी इसमें कुछ पौधे इनके बारे में। तो ये तो कंप्लीट हुआ आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसी के चलते हम आपको यहीं पर बता दें कि इसी में होता है आपका माइक्रोबियल कंट्रोल। देखिए माइक्रोबियल कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, माइक्रोबियल कंट्रोल वही जिसमें आता है आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सभी जो है आपके, जो इनका प्रयोग करके जब हम किसी इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं वही आपका माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है। तो देखिए माइक्रोबियल कंट्रोल के बारे में यदि हम बात करें तो माइक्रोबियल कंट्रोल जो टर्म है, माइक्रोबियल कंट्रोल टर्म को स्टैनहाउस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1949 में दिया था। कब दिया था? सन 1949 में दिया था। स्टैनहाउस नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोबियल टर्म को या माइक्रोबियल कंट्रोल को स्टैनहाउस नामक वैज्ञानिक ने सन 1949 ईस्वी में दिया था। इसमें हम किसका यूज करते हैं, तो यूज ऑफ वायरस, वायरस बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया फंगस। और इसके अलावा निमेटोड और प्रोटोजोआ, निमेटोड, निमेटोड और प्रोटोजोआ, निमेटोड और प्रोटोजोआ, इन सभी चीजों का हम जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे और इन सभी का प्रयोग करके ही हम माइक्रोबियल कंट्रोल को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हम टू द पॉइंट बात करेंगे जो कि आपसे डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ हम उसी पर बात करेंगे, ज्यादा चीजों पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका इसमें पूछा जाता है कि इसमें जो फादर इंसेक्ट पैथोलॉजी जो आपके है ना, फादर ऑफ इंसेक्ट सॉरी पैथोलॉजी, फादर ऑफ पैथोलॉजी जो है आपके, फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी, इंसेक्ट पैथोलॉजी वह कौन है? तो फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी जो है वह है आपके एगेस्टिनो, एगेस्टिनो बसाई। ठीक है, इनको कहा जाता है एगेस्टिनो बसाई। और जो आपके मॉडर्न पैथोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है ई जे बटलर। क्या है? ई जे बटलर साहब है। ठीक है, तो फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी एगेस्टिनो बसाई। और एगेस्टिनो बसाई ने एक फंगस की खोज की थी। किसकी? एक फंगस की खोज की थी जिस फंगस का नाम है, एक फंगस की खोज की थी जिस फंगस का नाम है ब्यूवेरिया बसियाना, ब्यूवेरिया बसियाना। इस फंगस का नाम है क्या? ब्यूवेरिया बसियाना। तो यह जो है एक फंगस है, इसकी खोज आपके वैज्ञानिक थे एगेस्टिनो बसाई, उन्होंने की थी। एगेस्टिनो बसाई ने ब्यूवेरिया बसियाना नामक फंजाई की खोज की थी। कब की थी? 1835 ईस्वी में। कब की थी? 1835 ईस्वी में इस फंजाई की खोज की थी। उसके अलावा देखिए, यह तो हो गई फंजाई की बात। फंजाई पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे जो कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे कीट की, सॉरी बैक्टीरिया की, जो कि आपसे डायरेक्टली और हो सकता है कि आ जाए, बिकॉज इतना पॉपुलर है, वह चीज इतनी पॉपुलर है तो कि आ सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा बीटी, बीटी इसका पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, इसको जानना जरूरी है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, यह जो है आपका एक बीटी। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। आपने सुना होगा कि कॉटन में लगने वाला एक इंसेक्ट पेस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, कॉटन में यानी कि कपास में लगने वाला, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम होता है पिंक बॉल वर्म। और पिंक बॉल वर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। तो देखिए, पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला जो कि आपका एक सीरियस इंसेक्ट पेस्ट होता है, किसका? कॉटन का। तो कॉटन में जैसे ही आपका, पहले क्या होता था, जब बीटी कॉटन हमारे पास नहीं था, अब हमने क्या किया है, कॉटन में जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसमें बीटी कॉटन, यानी कि बीटी कॉटन का मतलब है बीटी एक जो आपका बैक्टीरिया होता है, बीटी जो है यह आपका एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। अब देखिए, बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। और देखिए, इसका नाम बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्यों पड़ा? क्योंकि एक प्लेस है, एक प्लेस है जिसका नाम है थुरिंजिया, शायद उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद फ्रांस का प्रांत है या फिर मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। हम आपको अगले क्लास में या फिर आप देख लेना, मिल जाएगा। थुरिंजिया नामक एक प्लेस है, वहां पर इसे सबसे पहली बार देखा गया था। किसे? बीटी यानी कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस को। तब से इसका नाम बैसिलस थुरिंजिएंसिस पड़ गया, इस बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया के क्राई जीन को निकालकर, और इस बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट पाया गया किसके लिए? पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला के लिए। तो हमने क्या किया, कॉटन में बायोटेक्नोलॉजी, जिसका अध्ययन हम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का, उस शाखा का प्रयोग करके, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके या उसकी सहायता से हमने क्या किया, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया था उसका हमने क्राई जीन निकाल लिया। क्राई जीन निकाल करके, और इस क्राई जीन को हमने कॉटन में यानी कि कपास में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, या उसमें जो है हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो हमने बैसिलस थुरिंजिएंसिस का क्राई जीन निकाल करके कॉटन में जब से हमने ट्रांसफर किया है, तब से इसका नाम रख दिया गया बीटी कॉटन। क्या नाम रख दिया गया? बीटी कॉटन। तो देखिए, एक सिंपल और साधारण कॉटन अलग आता है और बीटी कॉटन अलग आता है। ठीक है, इसीलिए इसे बीटी कॉटन कहा जाता है, बिकॉज बीटी इसके आगे इसलिए लगाया जाता है, बी से होता है बैसिलस और टी से होता है थ्यूरेंजेंसिस। ठीक है, तो बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस नामक बैक्टीरिया के क्राइजीन को निकाल करके कॉटन में जब इसे ट्रांसफर कर दिया गया, तब इस कॉटन में पिंक बॉलवर्म का अटैक नहीं होता है। ठीक है, तो यह जो है आपकी रेसिस्टेंट वैरायटी, रेसिस्टेंट कॉटन है जो कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। तो इस बैक्टीरिया के बारे में हो सकता है पूछ ले आपसे। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गई बात आपकी बैक्टीरिया की। इसी प्रकार से हमने कई बैक्टीरिया का प्रयोग करके जो है कीटों को नियंत्रित किया है। उसके बाद देखिए वायरस के बारे में। देखिए वायरस जो है आपके, वायरस जो होता है, वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी, इवानोवस्की ने की थी। तो वायरस को, वायरस के टाइप होते हैं, एक होता है एनपीवी, दूसरा होता है जीवी और तीसरा होता है सीपीवी। एनपीवी को हम कहते हैं न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियस पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ठीक है, न्यूक्लियस पॉलीहेड्रोसिस वायरस कहते हैं। जीवी को हम, जीवी को ग्रेन्यूलोसिस वायरस कहते हैं, ग्रेन्यूलोसिस वायरस कहते हैं। ठीक है, और सीपीवी को हम साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस कहते हैं, पॉलीहेड्रोसिस वायरस कहते हैं। ठीक है, तो एनपीवी, जीवी और सीपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ग्रेन्यूलोसिस वायरस और साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इन सभी चीजों के बारे में हम देखिए। इसमें जो है आपके एक आता है आपका जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है HANPV और दूसरा होता है SLNPV। देखिए HANPV का नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, और एनपीवी में एनपीवी की जगह पर यही लगा दिया जाता है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ठीक है, तो वही हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस और SLNPV का स्पोडोप्टेरा लिटेरा NPV। ठीक है, तो स्पोडोप्टेरा लिटेरा इसका जो है पूरा नाम होता है SLNPV का। देखिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रखना। HANPV का पूरा नाम हो सकता है पूछ ले, SLNPV का नाम पूरा नाम हो सकता है पूछ ले। तो HANPV का पूरा नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस होता है और SLNPV का पूरा नाम स्पोडोप्टेरा लिटेरा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस होता है। ये थी हमारी आज की जानकारी। देखिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो और इसके बारे में कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ हेल्प मिली हो, कुछ हमने आपको सरल करके दिया हो, चीजें आसान हो गई हो, तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे आपको हम कई प्रकार से, पहले भी हम वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं IPM में, और पिछले में हमने आपको जो है CSJMU के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आपके ऑब्जेक्टिव जितने भी पेपर सब्जेक्ट के, उससे रिलेटेड हमने आपको सभी ज्यादातर क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी हैं। और जितनी भी आपकी बची हैं वह आगे हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द 4 से 5 दिनों में ही आपका सारा सब्जेक्ट या सारा कोर्स कवर हो जाए। ठीक है, तो आपसे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।